इस व्यस्त भरी जिंदगी में व्यक्ति खुद के लिए समय नहीं दे पाता, ठीक तरह से खाना नहीं खा पाता या खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम ईट्स सिरप के बारे में बात करेंगे। ईट्स सिरप क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। ईट्स एक ऐसा सिरप है जिसे लेने के बाद में खाना खाने की इच्छाओं को बढ़ाती है। ये पूर्णता से हर्बल है, इससे किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस सबसे बड़ी बात तो इस सिरप में ये है कि एक जो सेडेशन होता है ना सिरप, एपेटाइट सिरप लेने के बाद में जो सेडेशन होता है, वो इस सिरप में लेने के बाद में किसी भी तरह का सेडेशन नहीं होता है। ये पूर्णता से आप बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं या बुजुर्गों को भी इस सिरप का यूज करवा सकते हैं। ये मेरे हाथ में ईट सिरप है, ये ईट सिरप का ब्रांड दिया गया है। यहाँ पर ये पीछे भी ईट सिरप का ब्रांड दिया गया है, ये बताया गया है एपेटाइट स्टिमुलेंट सिरप है। ये यहाँ पर बताया गया है 200 ml में ये सिरप आती है। चलिए इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो ये एस्ट्रम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। जिसके कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं, इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो सुनती घान होता है इसमें 3.35 mg, मरीच घान होता है इसमें 3.35 mg, पिपली घान होता है इसमें 3.35 mg, अमाल की घान होता है इसमें 7.00 mg और दालचीनी घान होता है इसमें 3.35 mg, चाप घान होता है इसमें 3.35 mg, जीरा घान होता है इसमें 3.35 mg, एला होता है इसमें 3.35 mg। तो इस तरह से इसमें कंटेंट, ये सारे कंटेंट भूख बढ़ाने के लिए, एपेटाइट के लिए। चल इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी एवं MRP की बारे में बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 5/2018 जो मेरे पास में है सिरप, और इसकी एक्सपायरी है 4/2021, और इसकी MRP की बात करें तो ये 85 रुपये की एक सिरप आती है। चलिए इसकी पैकिंग के बारे में और बात करें तो इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, कार्टून पैकिंग में है, और इसका जो कलर है सिरप का ये पूरा रेड कलर का है। चलिए इसके खोल के और देख लेते हैं इसके अंदर सिरप की पैकिंग कैसी है। ये मैंने सिरप को खोल लिया है और ये प्लास्टिक पैकिंग में है, और सबसे बड़ी बात तो प्लास्टिक पैकिंग में ये सुविधा रहती है कि ये फूटने का डर नहीं रहता है। बच्चे भी इस सिरप को निकाल के पी सकते हैं, ऊपर रखी रहती है, ग्रा भी देते हैं, तो इसको आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। तो इस सिरप को आप एपेटाइट के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और एडल्ट के लिए, किसी के भी लिए सिरप का यूज़ करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जिन व्यक्तियों को खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण सिरप है। और जो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो गेम में व्यस्त रहते हैं या फिर पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी सिरप है जो उनको खाना खाने की इच्छा को बढ़ाती है और उनको ध्यान दिलाती है कि अब मुझे भूख लगने लगी है। जो व्यक्ति काम में व्यस्त रहते हैं या काम करते रहते हैं और उनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती या भूल जाते हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छी सिरप है ये। उन व्यक्तियों को भी एकदम माइंड में बिठाती है कि अब मुझे खाना खाने की अंदर से इच्छा होने लगती है। और बुजुर्गों के लिए भी, आप खाना खाने की इच्छा नहीं होती है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से खाना खाने की इच्छाओं को बढ़ाने के लिए सिरप यूज कर सकते हैं। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात करें तो जो बच्चे होते हैं उनके लिए 5-5 ml सुबह शाम लेना है, और जो बड़े होते हैं जो अडल्ट के लिए है ना, उसमें 10-10 ml सुबह शाम इसका यूज करना है। तो इस तरह पे इसे आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में कब्ज, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपको एपेटाइट से प्रॉब्लम संबंधित कोई प्रॉब्लम है, भूख लगने की इच्छा नहीं हो रही हो, उसमें आप इसका बेझिझक यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूज करने से पहले अपने आप डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें, क्योंकि बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं आप तो प्रकाश शाक 555 पर आप जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।